क्रॉस करना है। चलो अब्रार भाई, छोटे जी गाइस वहां पर कुछ मंदिर भी बना हुआ है। गाइस से देखो हमारी हालत क्या हो गई, अजबने दरवे शुरू हुई नहीं। ओके तो जी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गंगबल, अभी चल रहे हैं पहली वाटर क्रॉसिंग। देखो ये पुल क्रॉस करना है। चलो अब्रार भाई, अभी ये शॉल मैंने साथ लिया बिकॉज वीडियोस वगैरह के लिए थोड़ा कंसेप्ट है दिमाग में, तो ये जरूरत लगेगा। आवाज़ सुन रहे हो पानी की? देखो मैं वीडियो बंद करता हूँ, ना कसबा वापस, मैं डरता हूँ। मैं ये वाला रिज क्रॉस करना है, ये ऊपर तो बोल रहे हैं इसके ऊपर ही होगा गंगबल लेक, फिर हमें नीचे उतरना होगा थोड़ा, है ना? कोई नहीं। और हमने चप्पल इसलिए लगाई है बिकॉज बोला सबू ने जो गए थे वहाँ, उन्होंने बोला वाटर क्रॉसिंग में दो तीन जगह तो फिर शूज़ गीले होंगे वगैरह वगैरह। वही अब मसला है कि मौसम ख़राब नहीं होना चाहिए, यहाँ से तो मसला हो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा हिल है। से? अभी क्या करो, पूछना। तो हमारे साथ धोखा हुआ, हमें लगा कि उस पहाड़ के पीछे, लेकिन नहीं, अब इस पहाड़ के पीछे आए, अब लग रहा है इसके पीछे भी नहीं होगा, इसके पीछे भी नहीं है। हमें पूरा वो क्रॉस करना है, वो बाबा जी को पूरी क्रॉस करें उसके बाद होगा। खैर चलते हैं, अभी हमें तो लग ही नहीं रहा है कुछ, कल हमने पूरे दिन ट्रैक किया था। तो जी अभी मसला पड़ गया एक और वाटर क्रॉसिंग का, ये पूरी टफ लग रही है, अभी फाइंड आउट करना है कि इसको कैसे क्रॉस करें। देखो हमें इसके पार जाना है वहाँ पर लेक, अब देखते हैं यहाँ से, देखते हैं जगह। इसी चीज़ के लिए हमें बोला गया था कि चप्पल लो, ये क्रॉस करना है वहाँ तक। अब अब्रार भाई आगे कर रहा है और मैं भी। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस सीरियसली। सो फाइनली गाइस द वेट इज ओवर, हम गंगबल लेक देखने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर बोर्ड आपको दिखा हुआ मिल जाएगा, मैंने देखा नहीं, लेट्स सी। आर यू रेडी गाइस? चेक दिस आउट, अच्छा मंदिर है तुम बने, देखो लिखा है इसके बारे में डिटेल्स सारी। ये क्या मानसबल है? रेंज मानसबल, क्या पता क्या है मानसबल, इधर सारा लिखा है गंगबल फाइंड्स मेंशन और सेवन लेक्स ट्रैक। अच्छा यहाँ से सेवन लेक्स ट्रैक, प्राइमरी आउटफ्लो हर मुख गंगबल यात्रा। नुंदकल लेक पहले जाता है पानी, विच ड्रेन टू सिंध रिवर, सिंध रिवर में वो नुंदकल का पानी, नुंदकल के पास है ना। देखो जी गाइस वहां पर कुछ मंदिर भी बना हुआ है, बट द थिंग इज यहां पर कोई भी टेंट नहीं लगा हुआ है। यहां पर कहते हैं कि यहां पर कुछ है, आई डोंट नो है कि नहीं है, बट आसपास में सुनने को मिला। अभी खैर अब्रार भाई वहां चला गया वीडियो बनाने, यहां से मुझे वीडियो शूट करना है, उसके बाद वापस जाएंगे बिकॉज बारिश आने वाली है। तो मैंने फोटोज़ वगैरह ले ली, वीडियोस, यहाँ बारिश बहुत स्टार्ट हो रही है, पता ही पहाड़ों में किसी बारिश होती है। ठीक है तो जिब्रान अब फोटो वगैरह उठाएगा और वीडियोस थोड़ी लेंगे, जल्दी जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से, यहाँ है ही नहीं कोई। जितनी मेहनत इस ट्रक पे ना उतना पसंद नहीं आया मुझे, उतना खास नहीं है एज़ कम्पेयर टू काउंसलना बहुत ही बेस्ट एज कम्पेयर टू गंगबल। आई डोंट नो कितने लोग रिलेट कर पाएंगे इससे या नहीं, बट इतना खास नहीं लगा मुझे, और ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसका। ब्रो about this place. Yeah, it's a temple. For us it's nothing. For us it's nothing. Yeah, of course. It's Kashmir is allowed to Muslim, I know. Yeah, yeah, we are Muslims. Majority people are we Muslim. Only pray one God, that's Allah. Yeah, but the good thing about Kashmir is that you have Buddhists, Hindus and Muslims. Yeah, it's good to have Muslims. Everything mixed. You know, he's a social media influencer. He makes videos and all that. You are comfortable that he takes your video or not? People like you are comfortable that we are talking together. Yeah, like I was talking about other people. No, I will not upload that one. No issue. I just ओके तो गाइस फाइनली हमने अब डिसाइड कर लिया कि हम आज ही जा रहे हैं घर। प्लान तो था कल का, बट आज ही जा रहे हैं घर बिकॉज मौसम बहुत ख़राब होने वाला है और अभी भी है, बारिश धीरे धीरे आ रही है, रास्ता बहुत ख़राब है, तो फिर मिट्टी आ जाएगी रोड पे, है ना। यहाँ पे एक पुलिस वाला मिला, उसने कहा कि अगर आप बैठना चाहते हो तो बैठो, मेरे लिए मेरे हिसाब से बेहतर ये कि आज ही निकलो, क्योंकि अगर बारिश हुई रास्ता मतलब उधर कीचड़ होगा फिर उतर नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एक बंदा अभी गया गंगबल, एक बंदा ये बंदा गंगबल नहीं गया बिकॉज इसको पैर में कुछ लगी है,
थोड़ा डेलिकेट बेबी सो वस्ते खास बनावा विकस कोकर एम के आई बनोमुत आज खाना खाएंगे फिर निकल पड़ेंगे तब तक हम पैकिंग वगैरह भी करेंगे आप रेटिंग ऐसे ही दीजिए एक कलर ही पता रहा है कल वाला अच्छा था वैसे रेन कवर का चुक लगूं थी उसने नए लागूं थी चुक लगूं आज खैर अभी वो आ रहा है वो अब जब तक आएगा तब तक हम टेंट वगैरह सारा पैक कर रहे हैं टेस्ट करा एक कम रहा दूत तू वन टी कर ना मजे कमरस मज तेस तो भी टेस्ट देखो टेस्ट मैं पे रेडी हो रहा है निकलने के लिए ट्रेन कोट तो है नहीं बट मैंने शौक के लिए पहन लिया एक बार अभी वो आने का वेट कर रहा है खाना खाते हम निकलते बट उसको टाइम लग रहा है डोंट नो व्हाई अब तक ये भी पैकिंग कर रहा है छोड़ा हल्का हल्का कैश भरा बेगस पे अब हो गया अब यहाँ पे हमने खाना चढ़ा दिया इस पे वो चिकन भी हो गया रेडी अब हम खाएंगे उसके बाद फरार हो जाएंगे जी गाइस अभी खाने की तैयारी हो रही है हम निकलने वाले थे तो बारिश बहुत ज्यादा तेज होने हो गई अभी देखते हैं क्या करेंगे इसी हम कसम उसको बात कत सुन बारिश से देखो हमारी हालत क्या हो गई एक बने दोनों शर्मोनी वो बंदा आ गया अब वो खाना खा रहा है और हम निकलेंगे यहाँ नहीं रख सकते हम और तो अब यार निकलेंगे ना 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 बारिश देखो क्या हो रही है अगर हम 11 बजे भी घर पहुंचेंगे ना अपना घर घर ही होता है बस अभी मैं फोन बंद रखता हूं बिकॉज़ फोन भी खराब हो जाएगा सो या शूज पूरा गीला हो गया बारिश बंद हो गई अभी हमने ऑलमोस्ट 10% रास्ता कवर किया वापस जाने में थोड़ा पहाड़ था अभी यहाँ से नीचे उतर रहे हैं सीधे वहाँ से मेरी हालत देखो मिट्टी बहुत ज़्यादा खतरा था रास्ते में थोड़ा आराम से चलना अभी थोड़ा रेस्ट किया पानी वगैरह पियेंगे फिर आगे चलेंगे जन्मस मज ओके तो जी अभी नीचे बस पहुंचने वाले योर लगेज छिन हुच महगी कपड़ों की हालत देखो क्या हो गई है जूते का कलर ही चेंज हो गया इसके कपड़ों की हालत इसके सभी खत्म अभी आप दूध पियेंगे कुछ खाएंगे उसके बाद अभी थोड़ा टाइम लगेगा 10-15 मिनट फाइनली आफ्टर 6 आवर्स हम नीचे पहुंच गए हमारी हालत मत पूछो आप यहाँ से चढ़े थे यहाँ से नीचे उतरे क्या बोलना चाहते हो जुबान पे कोई अल्फाज नहीं है बोलने के टांगों ने जवाब दे दिया ये सबों का जवाब है अब करेंगे काम जल्दी जल्दी निकलने की तैयारी करेंगे घर पे हमें पहचान में नहीं आएंगे फिलहाल हम आएंगे पहले घर पे गाइस फाइनली घर पहुंच गए कल रात को पहुंच गए थे तो मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया था बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गए थे जो आपने देखा होगा इस सीरीज़ में 3-4 पार्ट्स बन गए इस सीरीज़ के ऑलमोस्ट तो आई होप आपको मज़ा आएगा इन पार्ट्स में और ये लास्ट वाला पार्ट है और इसके बाद नॉर्मल डेली ब्लॉगिंग चलेगी डेली ब्लॉगिंग नहीं बट ब्लॉगिंग चलेगी सो अभी इस वाले सीरीज को यहीं पर रखते हैं आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मुझे कमेंट्स में बताना इसके बाद मुझे ट्रैक कहाँ करना चाहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय